शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा जिसके आदर्श वाक्य हो, ऐसी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नेतृत्व में हमारे देश के हिमालय क्षेत्र की सीमाएं सदैव सुरक्षित हैं। ये शब्द वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला स्थित तारा देवी आनंदपुर पंचायत में पौधारोपण अभियान के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने इस साल 12,000 हेक्टेयर वन भूमि पर 1,20,00,000 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सेना पुलिस आज पूरे देश में 11,00,000 पौधे रोपित करेगी। उन्होंने कहा कि सीमाओं के प्रहरियों की बदौलत ही देश शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अपने गठन से लेकर वर्तमान समय तक पूरे हिमालय क्षेत्र की चीन से लगती सीमाओं की चुनौतीपूर्ण निगरानी के दायित्व को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। उपस्थित जनसमूह का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण के इस महायज्ञ में एक एक पौधा लगाकर आहुति डालें। इस अवसर पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडेंट दीपक कुमार पांडे, उनकी धर्मपत्नी, वन विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय पंचायत प्रधान भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है और लगभग हम 1,20,00,000 से अधिक वृक्ष लगाएंगे। दूसरा, आज का जो कार्यक्रम है इसका एक विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और उन्होंने पूरे देश को यह आह्वान किया है कि आज के दिन प्रातःकाल 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे के मध्य में सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस देश में 11,00,000 पेड़ इस बीच में लगाएंगे। और वर्तमान समय में देश के अंदर जो हालात हैं और ITBP हमारा जो तिब्बत बॉर्डर है और विशेष तौर पर इंडो तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये जो काम कर रही है तो इनका काम तो और भी महत्वपूर्ण है। और आज यहाँ पर शिमला ग्रामीण के इस ग्राम पंचायत आनंदपुर में ITBP के द्वारा 2 हेक्टेयर भूमि को अडॉप्ट किया गया और यहाँ पर देवदार की प्लांटेशन की जा रही है और लगभग ITBP के जो हमारे सेक्टर कमांडेंट हैं दीपक पांडे जी, इनके नेतृत्व में कोई 150 जवान आज यहाँ पर वृक्ष लगा रहे हैं। कोई 1,600 पेड़ लगेंगे और ये 2 हेक्टेयर का क्षेत्र इसको अडॉप्ट किया है और आगामी आने वाले समय में भी इस काम को करते जाएंगे।